छत्रपति शिवाजी महाराज आखिरकार दिखते कैसे थे? ये सवाल अक्सर मुझसे कई लोगों ने पूछा। क्या हमारे पास छत्रपति शिवाजी महाराज की कोई भी असली तस्वीर मौजूद नहीं जो कि उस कालखंड में बनी हो? और जब जब मैंने ये सवाल किसी से पूछा तब तब लोगों ने मुझे बस एक तस्वीर दिखाई, मराठी की यत्ता चौथी की इतिहास की किताब राजा शिव छत्रपति, जिसके ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज की यह तस्वीर मौजूद है। यह तस्वीर वासी बेंद्रे नामक एक इतिहासकार ने ढूंढ निकाली थी और उसके बाद ही यह इतिहासों के किताब में छापी गई थी। लेकिन इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज की कोई और तस्वीर मौजूद है या नहीं है? वेल, इसका जवाब है बिल्कुल। छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुत सी तस्वीरें आज भी हमें देखने के लिए मिलती है। तो वो कौन सी जगह पे रखी गई है? छत्रपति शिवाजी महाराज की कुल कितनी तस्वीर है जो आज के दौर में भी मौजूद है? छत्रपति शिवाजी महाराज की आंखें कैसी थी, उनका नाक कैसा था, उनके केश रचना, उनकी मूंछें, उनके कमर में कौन से शस्त्र थे, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। जय हिंद दोस्तों और जय शिवराय आप सभी का। मैं आशुतोष झा अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए इतिहास के एक पन्ने को फिर से हम खोलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारे कलेक्शन में छत्रपति शिवाजी महाराज की सबसे पहली तस्वीर है किशनगढ़ के महाराज सावंत सिंह के कार्यकाल में बना हुआ ये सुंदर पेंटिंग। इस पेंटिंग को बनाने वाले चित्रकार का नाम था निहाल चंद। जैसे कि मैंने बताया कि किशनगढ़ के महाराजा सावंत सिंह के कार्यकाल में यह चित्र बनाया गया है, तो इसका लगभग जो कार्यकाल है वो 1750 के बाद का है। दोस्तों, इस चित्र को ध्यान से देखने पे पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जिरटोप है, यानी कि जो टोप है, और छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथों में जो तलवार और दूसरे हाथ में जो दांड पट्टा है, उन सभी जगहों पर सुवर्ण काम किया गया है। यह चित्र आज भी उपलब्ध है। लंदन के बॉनहैम्स कलेक्शन में यह चित्र आज भी सुरक्षित रीति रखा गया है। आप चाहे तो इसे देख सकते हैं वहां जाकर, लेकिन यह चित्र ज्यादा उपयोगिता में नहीं लाई गई। साथियों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप लोग को एक मूवी के बारे में बताना चाहता हूं, द कश्मीर फाइल्स। इसके बारे में नहीं बता रहा, लेकिन द कश्मीर फाइल्स के बाद जिस बॉलीवुड मूवी का मैं खुद प्रमोशन कर रहा हूं, उसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। मैं उस मूवी को इसलिए प्रमोट कर रहा हूं क्योंकि यह आधारित है इतिहास के तथ्यों पर। इस्लामिक जिहाद और इस्लामी आतंकवाद के विरुद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने जो युद्ध पुकारा था, वो शायद भारत के इतिहास के पाठ्य पुस्तकों से सदा के लिए हटा दिया गया। लेकिन अगर आप लोग इस मूवी का विरोध करोगे, जो कि मैं बहुत से जगह पर देख रहा हूं विरोध किया जा रहा है, तो आने वाले समय में कोई भी ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित इस मूवी को ना बनाएगा और ना देखेगा। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके इतिहास को दिखाया जाए, इस्लामिक आतंकवाद जो हिंदुस्तान की मिट्टी पर हुए थे, भगवा को मिटाने के लिए, हिंदुओं को मिटाने के लिए, उसका इतिहास समझना चाहते हो, तो इस मूवी को जरूर जाकर देखें। और बहुत से ऐसी मूवीज है जैसे कि छत्रपति श्री संभाजी महाराज, इनकी भी मूवी कई सालों से अटकी पड़ी हुई है। तो मैं नहीं चाहता कि आगे भी ऐसी मूवी अटकी पड़े और इतिहास पर कोई विषय लेकर कोई भी बॉलीवुड वाला मूवी ना बनाए। और जहां तक मुझे पता है, इस मूवी को स्वयं हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी देखने वाले हैं। तो मैं आप लोग को यहां पे अश्योर दे सकता हूं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे भाई बहन हैं, कृपया अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस मूवी को जरूर जाकर देखिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की दूसरी सबसे प्रसिद्ध तस्वीर, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इस तस्वीर का निर्माण करने वाले चित्रकार का नाम है एंटोन ज़ेनेटी। दोस्तों, इस तस्वीर की एक विशेष बात यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का यह एकमात्र तस्वीर है जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज अश्व पे बैठे हुए हैं, यानी कि घोड़े पर बैठे हुए हैं। इस चित्र का निर्माण तांबे के धातु से किया गया था, हालांकि उस वक्त इसमें कलर नहीं डाला गया था, बिना कलर के कुछ ये इस प्रकार दिखता था। और इसके बाद कलर डालने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का अश्व पे बैठा हुआ यह एकमात्र तस्वीर कुछ इस प्रकार दिखता था। इसका कार्यकाल लगभग 1700 से लेके 1750 के बीच का है। रॉबर्ट्स आर्म कलेक्शन में रखी गई छत्रपति शिवाजी महाराज की यह तस्वीर ज्यादा प्रसिद्ध नहीं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के यह चित्र किसने बनाया यह किसी को नहीं पता। अगर आपको पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की यह तस्वीर किसने बनाई है, तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब हमें जरूर दें।
छत्रपति शिवाजी महाराज की इस तस्वीर का निर्माण 1782 के दरम्यान हिस्टोरिकल फ्रेगमेंट्स नामक एक किताब में किया गया था और उसी किताब में छत्रपति शिवाजी महाराज की इस तस्वीर को छापा गया था, लेकिन चित्रकार का नाम पता नहीं। इसलिए अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर बताएं कि यह तस्वीर किसने बनाई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की चौथी प्रसिद्ध चित्र। इस चित्र के बारे में विशेष बात यह है कि यह किसी भारतीय के पास नहीं है, यह चित्र डच अधिकारी फ्रांस्वा वैलेंटाइन के अपने संग्रह में रखी गई है। इस चित्र का निर्माण 1712 के बाद पहले किया गया है, लेकिन यह चित्र प्रसिद्ध किया गया 1782 के बाद। इस चित्र को ध्यान से देखने के बाद यह पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसी दीवार के ऊपर इसका हाथ रखा है और इस चित्र के नीचे ही देन वीर शिवाजी करके उल्लेख किया गया है। यह चित्र आज भी आपको फ्रांस्वा वैलेंटाइन के संग्रह में देखने को मिल जाएगा। हालांकि यह चित्र ज्यादा प्रसिद्ध नहीं, क्योंकि हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज की पांचवी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होने वाली चित्र। इस चित्र के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे देश में जितने भी शासकीय न्यायालय हैं, उन सभी शासकीय न्यायालय, जितने भी कार्यालय हैं, उन सभी कार्यालयों में छत्रपति शिवाजी महाराज की इस तस्वीर को लगाया जाता है। यह तस्वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के देहांत के बाद यानी कि 1680 के बाद रचा गया था। इसके चित्रकार का नाम आप ही मुझे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, यह चित्र गोवरकोंडा में बनाया गया था और यह चित्र आज भी ओरिजिनली आपको लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में देखने के लिए मिल जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की यह तस्वीर पूर्णतः भिन्न है। वो कैसे? जितने भी तस्वीर मैंने आपको दिखाए हैं और आगे दिखाने वाला हूं, उन सभी से छत्रपति शिवाजी महाराज का जो यह तस्वीर है पूरी तरह से अलग है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का यहां पर वन साइडेड नहीं बल्कि सामने से बनाया गया हुआ यह तस्वीर है, जहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज की दोनों आंखें दिखाई दे रही है, जहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज की दोनों साइड की मूछें दिखाई दे रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज के एक हाथ में तलवार तो दूसरे हाथ में फूल है। छत्रपति शिवाजी महाराज का यह चित्र ज्यादा प्रसिद्ध नहीं, लेकिन आज भी आपको यह चित्र फ्रांस के पेरिस शहर में गीमे नामक एक संग्रहालय में यह तस्वीर आपको देखने मिल जाएगा। मुझे लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का यह प्रसिद्ध जो चित्र है इसे और ज्यादा प्रसिद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह वन साइडेड नहीं बल्कि आगे से बनाई गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज की अगली तस्वीर, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इस तस्वीर को 17वें शतक में बनाया गया था और यह तस्वीर आपको बर्लिन स्टेट लाइब्रेरी में उपलब्ध है। भारत से इस तस्वीर को पहले हॉलैंड लेके चले गए, हॉलैंड से फिर बाद में जर्मनी लेकर चले गए और जर्मनी में इसे रखा गया है जो कि बर्लिन स्टेट लाइब्रेरी के अंदर है। दोस्तों, इस तस्वीर के ऊपर में ही कुछ लिखा गया है, उसका मैं ठीक से उल्लेख तो नहीं कर पाया लेकिन उसका अर्थ मुझे मिल गया। इसमें लिखा गया है शिवाजी मराठाओं के राजा, यह हिंदी में इसका अर्थ होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो यह तस्वीर है इतना ज्यादा प्रसिद्ध नहीं, क्योंकि हम तक यह पहुंच नहीं पाया, लेकिन आप तक हमने यह पहुंचा दिया, तो इसके लिए एक सब्सक्राइब्स और एक लाइक तो बनता ही है मेरे दोस्त। चलिए बढ़ते हैं अगले तस्वीर के ऊपर। छत्रपति शिवाजी महाराज की अगली तस्वीर देखने से पहले आपको बता दूं कि कोई भी तस्वीर आप ध्यान से क्यों देखिए, क्योंकि आपको यह तस्वीरें बार बार एक ही जगह पे उपलब्ध नहीं होगी। इन सभी तस्वीरों को एक साथ लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगते हैं और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि इन्हें ध्यान से देखो, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की यह सारी तस्वीरें आपको एक जगह पे कभी उपलब्ध नहीं होगी। छत्रपति शिवाजी महाराज की अगली यह तस्वीर है, इसे भी ध्यान से देखना। छत्रपति शिवाजी महाराज की यह तस्वीर निकोलस वेटसन नामक संग्रह में रखी गई है। इस तस्वीर की विशेष बात यह है कि इस तस्वीर के ऊपर कुछ लिखा है, वो क्या लिखा है उसे ध्यान से देखना। शिवाजी द प्रिंस ऑफ डेक्कन, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज राजा दक्कन के। इसका निर्माण जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल में ही हुआ था, यानी कि 1675 से लेकर 1685 के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल में और छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के पश्चात। फिलहाल यह जो तस्वीर है वो हॉलैंड के रिक्स म्यूजियम के अंदर सुरक्षित रीति रखा गया है, लेकिन यह भी तस्वीर हमारे किताबों में या हम तक नहीं पहुंचा।
अब कुछ लोगों का यह कहना होगा कि भाई साहब छत्रपति शिवाजी महाराज की तो सारी तस्वीरें ही परदेशों में हैं, हमारे पास क्या एक भी तस्वीर नहीं है? है, छत्रपति शिवाजी महाराज की एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र जो कि ये है। छत्रपति शिवाजी महाराज का यह चित्र 1675 में गोवलकोंडा में बनाया गया था और यह चित्र मुंबई के वास्तु संग्रहालय में, यानी कि छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय जो है, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के अंदर रखा गया है। आप जैसे ही इस वास्तु संग्रहालय में प्रवेश करेंगे, प्रवेश द्वार के ऊपर ही आपको यह दिख जाएगा। यह आकार में बहुत ही छोटा है, इसे बड़ा बनाया गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में डांड पट्टा, यह मराठाओं के शस्त्र है, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के सभी तस्वीरों में आपको यह कॉमनली नजर आएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की और एक तस्वीर जो कि हमारे ही देश में मौजूद है, यह मौजूद है हमारे बड़ौदा शहर के वास्तु संग्रहालय के अंदर। 18वें शतक के अंतकाल में छत्रपति शिवाजी महाराज की यह तस्वीर को बड़ौदा के संग्रहालय में रखा गया। इसकी एक विशेष बात यह है कि यह चित्र राजपूत शैली में बनाई गई है। राजपूत शैली कैसे? तो छत्रपति शिवाजी महाराज के एक हाथ में आप ध्यान से देखिएगा तो तलवार है और कमर के पास ढाल है। छत्रपति शिवाजी महाराज की ऐसी तस्वीर आज तक आपने देखी नहीं होगी। एक तस्वीर के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज के पीठ के ऊपर ढाल है, जो चित्र आपको यत्ता चौथी के मराठी के इतिहास के पुस्तकों पे, यानी कि राजा शिव छत्रपति के इस पुस्तक पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद यह तस्वीर है। छत्रपति शिवाजी महाराज के कुल 19 फोटो उपलब्ध है, 19 चित्र उपलब्ध है, उनमें से 9 चित्र आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल गया। इनमें से कौन सा चित्र आपने पहली बार देखा यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज के अन्य सभी तस्वीरें, अन्य सभी चित्र जो कि आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा, हम अगले वीडियो में जरूर दिखाएंगे। आपसे बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की वो अन्य 10 तस्वीरें जो आज तक किसी ने नहीं देखी, जो आज तक एक जगह पे एक ही वीडियो के अंदर किसी ने नहीं दिखाया, वो मैं आपको दिखाऊं। अगर आप ऐसा चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं और नए नए इतिहास के वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। तब तक के लिए जय शिवराय।